ये रोटियां बची हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ बासी या मतलब कि ठंडी रोटी से एक नई रेसिपी बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं। ये मेरे पास चार रोटियां बची थी, ये मैंने जानबूझ के बचाई क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी जानबूझ के, इसलिए। तो इनमें से मैं दो रोटी की रेसिपी बनाऊंगी, बाकी छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे मैं इन रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ले रही हूँ चाकू से। आप कैंची से भी कट कर सकते हो, पर मैं तो चाकू से कर रही हूँ। बड़ी टेस्टी बनती है ये रेसिपी, और बासी रोटियों का यूज भी हो जाता जिस दिन बचाए, पर मैंने तो जानबूझ के बचाई थी क्योंकि मुझे ये बना के खाना था। और मैं यहाँ पे एक प्याज और एक टमाटर कट कर लूँगी, और भी शिमला मिर्च, गाजर, ये सब भी डाल सकते हैं। मैं तो डालती हूँ, पर आज मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैं प्याज टमाटर ही डालूँगी। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ले रही हूँ मैं। बासी रोटी को मैं तो कभी नहीं फेंकती, बस यूज कर लेती हूँ कुछ न कुछ अलग अलग रेसिपी बना के। कभी और दूसरी रेसिपी चूरमा भी ट्राई कर लेती बना के। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिए सब्जी, सब कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें मैं डालूँगी मस्टर्ड ऑयल और जीरा डाल दिया है मैंने, साथ साथ प्याज डाल दिए। थोड़ा इनको ब्राउन होने के बाद टमाटर डाल दूँगी। एक बार बनाओगे ना तो बच्चे फिर बार बार बनाने को बोलेंगे। यहाँ पे मैं टमाटर डाल रही हूँ, ऊपर से थोड़ा नमक डाल दूँगी तो ये अच्छे से गल जाएंगे। थोड़ी देर पकाऊँगी तो थोड़ा सा पानी भी डालूँगी, और नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर ये डाल दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट कर लिया करो। और ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ये थोड़ी सूखी सूखी हो गई, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, 2-3 चम्मच के करीब। तो फिर थोड़ा पकाऊंगे तो टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। अभी टमाटर अच्छे से मैश हो गए, गल गए। तो अभी इसमें मैं रोटियां जो मैंने टुकड़ों में काट के रखी थी ना, वो डाल रही हूँ। इनको थोड़ी देर चम्मच से मिला मिक्स करके ऊपर से थोड़ा सॉस डाल दूँगी, तो इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। और जो मैंने है ना प्याज कट करे थे ना, वो आधे ही डाले थे मैंने फ्राई करने तेल में, तो बाकी आधे मैंने बचा के रख लिए थे। तो ये ऊपर से डालूँगी, तो कच्चे प्याज साथ में खाने में और अच्छा लगेगा। ऊपर से थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी तो टेस्ट अलग हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। ये मैं थोड़ा सॉस डाल रही हूँ। ये कच्चे प्याज मैंने ऊपर से डाल दिए हैं। और ये हमारी रेसिपी, रोटियों की रेसिपी बनके हो गई है तैयार। अभी मैं इनको परोसूंगी दही के साथ, ये रोटी की रेसिपी और दही की कटोरी के साथ में इंजॉय करूंगी। आप लोग भी आ जाओ। ये मेरी थाली लग रही है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, एक बार बना के खा लोगे ना तो बार बार बनाने को मन ही करेगा, और बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे, रोज़ बनवाएंगे आपसे। मैं तो घर कभी एक्स्ट्रा रोटी बना लेती हूँ और फिर बना के खाती हूँ। प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा।
तो ये मेरी थाली लगा ली है मैंने, और आप लोग भी आ जाओ, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, टेस्टी सा।